हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केएस कोरंगा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज कोरंगा में। दोस्तों मैं अभी बागेश्वर में हूं, और क्योंकि कल रात हम लोग बागेश्वर आया हुआ है, और अभी मैं जा रहा हूं भराड़ी से आगे जा रहा हूं, वहां कुछ एक विशेष कार्यक्रम है, तो मैं दोस्तों उसकी कुछ झलक या कुछ फुटेज आपको दिखाऊंगा, मैं आगे जाके ब्लॉगों में दिखाऊंगा, तो आप चैनल बने रहे। क्या है क्या नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बागेश्वर की नदी और सामने अच्छे अच्छे मकान है, इसका व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। तो सामने वो डिग्री कॉलेज का फील्ड है, वो डिग्री कॉलेज दिख रहा है आप लोगों को, साफ दिख रहा है यहाँ से। ये नदी है, ये सरयू नदी है, आगे मंडल सेरा है, ये बागेश्वर का एरिया है। और यहाँ पे जो है गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी में ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हल्द्वानी में इस टाइम ज़्यादा ठंड हो रही है और यहाँ पर कम हो रही है। मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कम हो रही है अभी, हल्द्वानी की अपेक्षा कम हो रही है, क्योंकि हल्द्वानी में ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर थोड़ा ये है कि वहाँ कोहरा पड़ता है, और यहाँ पर ऐसा कोहरा वोहरा नहीं है, तो ये रीज़न ये है कि नेचुरल वाइज ठंडा कम है। प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का आवाज़ आ रही होगी, आप लोग सुन रहे होंगे प्रेयर की आवाज़ आ रही है। और एक छोटे छोटे यहाँ पे दीदी के वहाँ पे पिल्ले हैं, मैं दीदी के वहाँ आया हूँ। ये देखो, इसके थोड़ा बचपन के साथ इसके पैर कमज़ोर थे, तो ये थोड़ा चल कम पाता है। और ये इधर है, ये बड़ा मस्त है, अजल है, ये देखो डॉगी, देखो ये बड़ा प्यारा है, और कल से घेर के रखा है इन्होंने मेरे को। देखो ये बड़े प्यारे प्यारे डॉगी है, ये देखो ये तो मस्ती मार रहे हैं, देखो ये देखो इसे मार, ये हाय हाय, एक सारे कपड़े गंदे हैं, बाल ही बाल लगा दिए, ये देखो अच्छी है, ये देखो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये बड़ा है, ये एक साल का, ये चंट है, ये वाला एक साल का है, ये तो एक साल का ही है, उठो लग गया, चलो गया। बड़े प्यारे से खरगोश के बच्चे हैं, ये देखो ये डॉगी के साथ खेलते हैं, ये बड़े अच्छे करके, और बड़े भी हैं, थोड़ा बाहर हैं, ये देखो बड़े प्यारे लग रहे बच्चे हैं, देखो ये आहा, ओ ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, देखो टीका भी लगा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो तो फ्रेंड्स हम निकल गए बागेश्वर से और जा रहे हैं अगले सफर को। मैं इसी के साथ अपने छोटे सिस्टर के वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये भराड़ी और बागेश्वर के बीच में जो है ओलिंग जगह है कोई, वहाँ पर है, ये मेरी सिस्टर है और इसका मकान ये है नीचे। हाँ ये है सिस्टर का मकान, और नीचे वो नदी है, नदी का नाम क्या है, नाम तो पता नहीं क्या है, और उसे रेवती नदी कहते हैं उसको। इधर जी गाड़ी आ रही है उधर से, तो ये यहाँ का लोकेशन है। और आजकल वैसे सारा घास वास सूखा पड़ा हो, ऐसा लग रहा पहाड़ में, और एक खेत गेहूँ के खेत हैं। ये मेरे छोटी बहन ने गाय बच्ची पाल रखे हैं, और दो बकरी भी हैं शायद, और ये मकान है, पहाड़ों के मकान ऐसे होते हैं, मकान भी अच्छा लग रहा है वैसे। और ये मेरा बेटा है। अब आगे का सफर शुरू करते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे शादी है, और मेरी वाइफ की बहन की लड़की की शादी है वहाँ पे, और अभी हल्दी हल्दी होनी है, तो अब निकलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ 5 मिनट बैठे और ज़्यादा टाइम हो गया, लेट हो गए हम लोग बागेश्वर। दोस्तों इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, ये खारबगड़ है, और यहाँ है शादी, ये सामने जा रहे हैं, और मैं अभी फिर आज नीचे नदी में हूँ, क्योंकि अभी मैंने इससे ऊपर से ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि इससे नहीं करी क्योंकि ऊपर म्यूजिक चल रहा था, तो अभी लग रहा है म्यूजिक बंद हो गया, तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ ये। और लोकेशन बहुत मस्त लग रही है, और कुछ भाई लोग यहाँ बैठे भी हैं। ये है यहाँ के, ये हालाँकि मेरे पैतृक गाँव है, इससे आगे लगभग 10 किलोमीटर तो नहीं, 5 किलोमीटर और आगे मेरा, इसी दिशा में मेरा आगे घर है 5 किलोमीटर आगे, और ये भी हमारे गांव में ही आता है। और ये रोड है, और ये नदी है, इस नदी को कहते हैं रेवती नदी। पहुंच चुके हैं अड्डे पे, और अभी पी रहे चाय, और यहाँ जो है हल्दी की तैयारी हो रही है, और आज ही सगाई भी है, पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं, जो सगाई हो, अभी सगाई है तो लोग आए हैं उनके लिए, और हल्दी भी है।
ये हल्दी का स्टेज है। ये है कि पहले तो इतना होता था, धीरे धीरे यहाँ पे होने लगा, वैसे पहाड़ों में कमी होता है सब चीज़ें जो जैसे नीचे को होता है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे शुरू कर रहे हैं लोग। और ये सब लोकल गांव की हैं, क्योंकि गांव हमारा जो है बड़े गांव है, बहुत लंबा है, बहुत दूर दराज के हैं, तो कुछ लोग आज आएंगे, कल कुछ शादी में आएंगे। सालेग्राम है मेरा, चाय की सुस्की ले रहा क्योंकि करने बाद तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रहा है क्योंकि नीचे नदी है, वैसे यहाँ ठंडा ही रहता है। और यहाँ पर लगभग 3 या 4 बजे छाया आ जाएगी, धूप निकल जाता है, यानी जो सामने पहाड़ी है ये, इसके पीछे धूप छिप जाता है, तो यहाँ जल्दी वो छाया आ जाती है, तो ठंडा होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। अभी तो गर्मी हो रही है, धूप लगी हुई है। तो अभी यहाँ पर हो रही है हल्दी रस्म, तो छिलका आ जाओ थोड़ा। लगाते रहो। इसी के साथ हल्दी कार्यक्रम जो है समाप्त हो चुका है, अब फोटो शूट करेंगे। सवाल पता शुरू होगी, अब इसके बाद सवाल पता शुरू होगी अगला कार्यक्रम। सवाल पढ़ाई रस्म शुरू हो रही है, महिलाएं बैठ चुकी हैं सवाल पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों कुछ पहले हल्दी हुई थी, उसके बाद सवाल पढ़ाई हुई, अब यहाँ पर सगाई हो रही है, और ये लगभग सगाई जो है समाप्ति हो रही है, थोड़ा मैं लेट पहुँचा हूँ। दिन के 2:30 बज चुके हैं, और धीरे धीरे जैसे मैंने कहा था पहले कि अब छाया आने लग गई है, तो 1-1.5 घंटे में छाया आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि धूप जो है ये है यहाँ इधर निकल जाती इधर को, ये पहाड़ी काफ़ी ऊँचा है, तो यहाँ मतलब इस एरिया में जो है छाया आ जाती नीचे, बाकी इधर ऊपर को रहता है यहाँ को, यहाँ पर धूप रहती है लास्ट तक रहता है। सारे कार्यक्रम के समाप्ति बाद अब जो है खाना खाया जा रहा है, सारे खाना खा रहे हैं, फिलहाल मैंने खा दिया खाना, और कुछ यहाँ भी खा रहे हैं। तो इसके बाद खाना समाप्ति के बाद होगा महिला संगीत। अपने पैतृक गांव पहुंच चुका हूं, जो कि आपको दिख रहा हो, अभी बैक कैमरा से दिखाऊंगा अभी, और मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे है ये, थोड़ा अभी मम्मी से मिल के आता हूं 10 मिनट के लिए, तो वापस फिर वहीं चले जाऊंगा, जो कल शादी है परसों वहीं को नीचे को चले जाएंगे। तो आपको दिखाता हूं थोड़ा सा लोकेशन कैसे क्या है आगे। ये जो है यही गाँव तो पूरा ही है, ये भी छोटा गाँव जहाँ मैं रहता हूँ ये वही गाँव है, अभी किसी का मकान लग रहा था आगे से, वो घोड़े भी नीचे आ रहे हैं, और ऊपर इसको हम कहते हैं कोटाधार, और जहाँ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा वो है घास जैसी है, वहीं हमारा घास काटने का था पहले, अब तो कोई जाता नहीं है, वैसे हम लोग भाबर में आ गए हैं, अब ये काला काला हो रहा था क्योंकि हवा आग लग चुकी है, और अब धूप जा रही, सनसेट हो रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और हम लोग इस दिशा से आए थे अभी ये, और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये सीधा सामा जाती है आगे, सामा लिति भंडार, और वो सामने है प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पर मैं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ा था, जब मैं 3 में गया था तो उसी टाइम से इसकी ओपनिंग हुई थी, पर घास की झोपड़ी बनाई थी, और उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था, अब धीरे धीरे बिल्डिंग बन गई है वैसे। और ये जानवरों के लिए घास इकट्ठा किया है,
इसको बरसात के बाद काटते हैं और उसके बरसात ख़त्म होती ही और जो सर्दी आती है उसमें गाय बच्चों को दी जाती है। और इसका यूज जो है अगली बरसात आने तक किया जाता है। और हमारे गांव की औरतें ऐसी मेहनत करते हैं, ये बायो खाद है, इसको हम लोग गोबर कहते हैं, और ऐसे एक जगह से दूसरी जगह लाद के ले जाते हैं, फिर गेहूं चावल आटा जो भी है धान पैदा किया जाता है। चढ़ाई चढ़े तो सांस फूल लिए, हमने सामने वो गाड़ी खड़ी कर रखी है और इसी रास्ते हम इधर अब दूसरे पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं जो मैं अपने घर तक जाऊँगा। हालांकि अपने ऊपर मैं घर तक तो नहीं जाऊँगा, उससे आगे है तो मैं नीचे रहूँगा क्योंकि ताऊ लोगों ने बना रखा नीचे, तो मम्मी वही है। हमने जो है बड़ा अच्छा वाटरफॉल नज़र आ रहा है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। अब प्रॉपर मैं जो है अपने गांव में पहुंच चुका हूं और इसका नाम बड़ेत है। हालांकि बड़ेत बहुत लंबा है यहां तक और लेके यहां तक है, लेकिन प्रॉपर बड़ेत इसी को कहते हैं और पूरी ग्राम सभा का नाम भी बड़ेत है। और बाकी छोटे छोटे टोक का नाम अलग अलग है, जैसे जहाँ से हम आए तो खारबगढ़ है और मेरा घर इससे भी आगे है जो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो मकान है इसके पीछे दिख रहा छोटा सा ये घर है। दो पहलवान हमारे साथ लगे हुए हैं ये भी, और उधर वाला साला होगा, ये भाई हैं अपने यानी साली के घर वाले और पूरा मुल्ला जी बने हुए हैं। और ये पूरा हमारे ग्राम सभा की खेती होती है यहाँ पर, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, हर जगह के जो हमारे गाँव से सबके खेत यहाँ पर हैं, कुछ मेरे भी हैं यहाँ पर। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो सामने ये है मेरा घर, और अभी यहाँ जहाँ से हम लोग आए हैं तो वहाँ म्यूजिक चल रहा, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ तक। हालांकि यहाँ 2-3 किलोमीटर दूर है वो, फिर भी आप लोगों ने यहाँ अच्छे घर बना दिए वैसे, क्योंकि मैं 5-6 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। वैसे तो देखो यहाँ की गेहूँ की खेती कैसी हो रही है, पानी की कमी के चक्कर से सूखा पड़ा है और छोटे छोटे हो रहे हैं और बंदरों ने भी खा रखा है। यदि कोई बरसात ढंग की होती है तो ये एकदम से बड़े हो जाएंगे, नहीं तो फिर वैसे सिंचाई का साधन है कम है थोड़ा सा। अपने ताऊ के बेटे के वहाँ पहुँच रखा हूँ, यह बेटे का बेटा है, ये मेरा भी बेटा ही हुआ और इसी ने अपने दम पर ये मकान बना रखा है। 6 कमरों का मकान है और मकान बहुत अच्छा बना रखा है इसने, और ये तो मकान बनाना ये पहाड़ में इतना आसान नहीं है जो इसने कर दिखाया है। अब मैं थोड़ा सा मकान दिखाता हूँ आप लोगों को। वो भी दूसरा मिस्त्री है ये रमेश, यहाँ से 6 कमरों का है ये मकान। अभी जी हमारे कोई बात नहीं, अरे सही अच्छा लग रहा है। ये मम्मी है, अरे क्या बढ़िया फसला लग रही है। ये है मकान और अभी दिखाता हूँ अंदर के कमरे भी। फौजी ये देखो, ये देखो कितना क्यूट सा लग रहा ना। ये हमारे ताई जी हैं और बीमार रहती है, बूढ़िया हो गया अब। खड़गू और क्या भल रहा है। ये हमारे ताई जी हैं और यहाँ पे बन रहा मकान पुराना, पहले यहाँ पे ऐसा मकान था जो हमारे भूपू लोगों का था और सेम ऐसी था। और यहाँ पे अभी और दिखाता हूँ आप लोगों का मकान जो पुराने बनते थे, तो यही यहाँ पर था जो भूगोल लोगों का था। उसके बाद हमारे ताऊ के गए, अब ताऊ के छोटे बेटे यहाँ पे मकान बना रहे हैं, ससुर जी हैं और यही बना रहे हैं अभी। हालांकि भाई हमारे बीच नहीं रहनी है इस टाइम पे। और ये है मॉडलिंग पुराने टमाने मकानों की, ये आज भी कितनी मजबूत है। हालांकि इन घरों को मैंने जब छोटा था तो उस टाइम रहते थे यहाँ पे, और हम छोटे छोटे जो पहाड़ों में एक त्यौहार आता फूल दे डालते थे रहते थे, अब ऐसे हो गए खंडहर हो गए। यहाँ भी ऐसी था, इन्होंने बना दिया, इन्होंने नहीं बना रखा और ये यहाँ पर बन रहा। और इधर जो ये है ये ऐसी है, पहले दोनों एक ही थे आपस में, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी थी, दोनों एक सीढ़ी इधर को जाती थी एक इधर था, अभी दो हिस्से हो गए इसके, तो ऐसे रह गया और यहाँ पर मकान बन रहा। और सेम मॉडल के ऐसे हैं उधर भी हैं वो। अरे लोग घास काट रहे हैं यहाँ, घास निकालने गेहूँ तो सूख गए, घास क्या निकाल रहे हो। हाँ कहा सूखा डंडी है इसमें बस। नमस्कार, वो चाची हैं, ये भाभी जी हैं हमारी और वो भी हैं,
बच्चे घास निकाल लें। ये बड़ेट का इसको हम शर कहते हैं। अब धूप जो है धीरे धीरे करके सनसेट हो रहा है या धूप जा रही है धीरे धीरे करके, और यहाँ के गांव की महिलाएं ऐसी बैठी हैं, वे घर से घास वास निकाल के और अब जा रहे हैं घर को घास निकाल रहे हैं। सब पुराने अब धीरे धीरे सब बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो रहे पीछे से। हाँ हाँ बोलो कुछ कहेंगे आप। हाँ ये गांव के लोग हैं, गांव ऐसे रहता है, आदमी सुबह से शाम तक काम ही करता है, खाना मिले नहीं मिले उसे क्या लेना देना। हाँ काम करना है बस, काम करके क्या होता है खेतों में कुछ नहीं है। देखो ये हाँ सब ये सूखा पड़ा, मतलब पानी की है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो क्या कर सकता है। वो जन्मभूमि है जो जहाँ रह रहा है वहाँ सड़ है। तो दोस्तों अब बज चुके हैं लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं और धूप निकल चुकी है, ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। हम जाते हैं नीचे को और इस जगह अपनी जन्मभूमि को छोड़ रहा अभी, फिर देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो कि भाई दोबारा यहाँ जल्दी मुझे आना पड़े, या आप लोगों के सपोर्ट से ही पॉसिबल हो सकता है। और यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।